अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट नवीद बलोच। आप मेरा चैनल देख रहे हैं बलोच की आवाज़ 99। इमरान खान का ताज़ा तरीन बयान आया, उन्होंने कहा है कि मुझे मारने की प्लान तो पहले से बनाई गई थी, मुझे मारने वालों के बारे में भी पता है और जिसने ये प्लान किया हुआ उनके बारे में भी पता है। मैं बहुत जल्द आवाम के आगे बताऊँगा कि मुझे मारने में किन का हाथ है और कौन है। मेरे पाँव पर 4 गोलियाँ लगी हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है मैं बच गया हूँ। ये इमरान खान के ताज़ा तरीन बयान है जो हम आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि मुझे मारने का प्लान वज़ीराबाद या गुजरात में किया गया था, मुझे इसके बारे में पहले आगाह। बलोच की आवाज़ 99, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन मिल सकें। हो चुका था लेकिन मुझे फिर भी अल्लाह ताला पे भरोसा था कि मैं बच जाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन एक और बात है, ये जो मारने वाले हैं ये अभी भी चैन से नहीं बैठे हैं। मुझे पता है जो आदमी पकड़े गए हैं तो वो क्या कह रहे हैं, मुझे सब पता है। लेकिन मेरा प्लान अब भी बना हुआ है, मैं इंशाल्लाह फिर आऊंगा आवाम के सामने, जल्दी आऊंगा। लेकिन जो मुझे मारना चाहते, आपने देखा होगा कि जिस तरह जिस आदमी ने हजूम के सामने फैर निकाला है, लेकिन असल में उसने गोली सिर्फ एक चलाई है। मारने वाले कोई और हैं जो कहीं और प्लान बना के बैठे हुए थे, जो मुझे मारने की सोच रहे थे, और मेरी टांगों पे 4 गोलियां लगी थी और फैसल जवेद के नाक पे गोली लगी थी। अल्लाह ताला के शुक्र है सिर्फ कुछ आदमी शहीद हुए हैं, लेकिन मुलजम तो पकड़ा गया, लेकिन फ़िलहाल तफ्तीश जारी है। लेकिन मुझे असल कातिलों का भी पता है जो मुझ पे हमला कराना चाहते हैं, मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। ये इमरान की न्यूज़ अपडेट है जो हम आपको अभी बता रहे हैं। उन्होंने मज़ीद भी यही कहा है कि अपने कारकुनों से कहा है कि आप हौसला रखें, मैं बहुत जल्द आऊँगा और लॉन्ग मार्च करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक पाकिस्तान को करप्शन से पाक नहीं कर देता, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो जो भी पाकिस्तान से छीनी गई रकम लेके बाहर चले गए हैं, मैं तब तक उस वक्त तक भी चैन से नहीं बैठूंगा जब तक एक एक रुपया पाकिस्तान वापस नहीं आता। मज़ीद अपडेट देखते रहिए बलोच की आवाज़ 99। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।